रूस और यूक्रेन के बीच पिछले दो साल से छिड़े भीषण संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे तो अमूमन हंसकर गर्मजोशी से होने वाली दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की परंपरा के विपरीत माहौल गमगीन सा महसूस हुआ और इस युद्ध में सैकड़ों यूक्रेनी नागरिकों व सैनिकों के मारे जाने का गम साफ तौर से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के चेहरे पर देखा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव भी संवेदना व्यक्त करने वाले ही दिखाई दिए। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने हाथ जोड़कर और मिलते समय खुद कदम आगे बढ़ाते हुए उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने युद्ध की विभीषिका में मारे गए सैकड़ों यूक्रेनी नागरिकों जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सैनिकों के हश्र से जुड़ी तस्वीरें भी दिखाई। इस दौरान माहौल गमगीन सा हो उठा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखे उनके साथ साथ चलते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वहां पर पहुंचे हुए थे।